और यहां पर आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने कश्मीर में पार्टी अरकान के तरक्याती फंड्स इलेक्शन में कारकर्दगी से मशरूत कर दिए हैं। कश्मीर इलेक्शन के हवाले से वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जेरे सदारत होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं लाहौर से उमर असलम से। उमर असलम बताएगा इजलास में क्या तय पाया। जी आज अब से कुछ देर कबल वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत कश्मीर इलेक्शन के सिलसिले में मॉडल टाउन में एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, मुस्लिम लीग के रहनुमा परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, ख्वाजा अहमद हसान, गजाली सलीम भट्ट, यासीन सोल समेत दीगर चौधरी शहबाज अहमद समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में वजीर अला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अरकान असेंबली पर काफी बरहम दिखाई दिए। उनका कहना था कि कश्मीर का आजाद कश्मीर का इलेक्शन काफी मायने रखता है और इस हवाले से अरकान कौमी और सूबाई असेंबली अपने अपने हल्कों में खूस लाहौर के हवाले से जब बात की जाती है तो जो कश्मीरी वोटर्स हैं उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट दिलवाने के हवाले से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएं। वजीर अला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाजिया किया कि जिन हल्कों में आजाद कश्मीर के वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के हक में कम आए उनको जो है वो फंड नहीं दिए जाएंगे। उनका कहना था कि हल्के में तरक्याती स्कीमों के लिए जो फंड दिए जाते हैं उन रहनुमाओं अरकान कौमी सूबाई असेंबली को फंड नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने अरकान ठीक है, शुक्रिया उमर।